हेलो माय लवली व्यूअर्स, वेलकम बैक टू तड़का विद स्टाइल। और आज बनाएंगे यम्मी ऑरेंज पास्ता। सो ऑरेंज पास्ता बनाने के लिए हमें बनानी पड़ती है ऑरेंज सॉस, और उसमें लगता है बहुत ज्यादा टाइम। तो आज हम बताते हैं आपको इंस्टेंट ऑरेंज पास्ता, वो भी रेडीमेड सॉसेस से। सो लेट्स एक्सप्लोर दिस इंस्टेंट रेसिपी। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर एक हैवी बॉटम की कढ़ाई ली है और उसमें डाला है बटर और साथ में थोड़ा सा ऑयल, क्योंकि सिर्फ हम बटर डालेंगे तो उसके जलने का डर रहता है। और इसमें हमने डाला है अनियंस। तो यस, अगर आप गार्लिक यूज करना चाहते हैं तो यहाँ चॉप्ड गार्लिक भी डाल सकते हैं। अनियंस को थोड़ा सा सौते करके पिंक करेंगे, ज्यादा उसे नहीं पकाना है। और डालेंगे यहाँ पर ओरिगैनो एंड चिली फ्लेक्स। तो देखते जाइए कैसे बनाते हैं हम ऑरेंज टेस्टी पास्ता। अब इसमें डालेंगे सॉल्ट एज पर योर टेस्ट एंड वेरी लिटिल शुगर। तो यस, हल्का सा टैंजिनेस एंड स्वीटनेस होती है। और ये लो हमारी गई इसमें मेयोनीज। तो एक बड़ा चम्मच मेयोनीज आपको डालनी है। रेडीमेड सॉसेस से बता रहे हैं आपको ऑरेंज पास्ता, तो इसी तरह ट्राई करिएगा। हल्का सा इसको सौते करेंगे। फ्रेंड्स, आई बेट एक बार अगर आप ये पास्ता बना लेंगे तो आपको पास्ता बनाने में बिल्कुल जोर नहीं आएगा, बल्कि खाने से ज्यादा आप पास्ता बनाना पसंद करेंगे। तो चलिए इसे बनाते हैं ऑरेंज। हमने यहाँ पे ली है पास्ता एंड पिज्जा सॉस। तो कोई भी पास्ता पिज्जा सॉस आप ले लीजिए और उसे इस जो हमने व्हाइट सॉस तैयार की है विद मेयोनीज उसमें डालिए एंड मिक्स एंड मिक्स एंड सी द मैजिक। तो देखिए बिना किसी फूड कलर के कितना अच्छा सॉस का हमारे कलर आया है। और अब इस सॉस को परफेक्ट बनाने के लिए इसमें डालेंगे हाफ अ कप मिल्क। तो इससे थोड़ी डाइल्यूट हो जाएगी, आप कंसिस्टेंसी अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हैं। अब इसे सुपर टेस्टी बनाने के लिए हम यहाँ पर डालेंगे प्रोसेस चीज एंड नाउ इट्स टाइम फॉर दिस बॉइल्ड ब्रोकली। और डालेंगे हमारा बॉइल्ड पास्ता। तो गाइज, एक बार आप ये रेसिपी ट्राई करके जरूर देखिएगा और आपको पता चल जाएगा कि कैसे ये इंस्टेंट पास्ता आपको बहुत ही तारीफें दिलाने वाला है। तो मिलेंगे यही तड़का विद स्टाइल पर एक नई रेसिपी के साथ। टिल देन अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।